गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार अमीन एडमिट कार्ड के बारे में। और इससे पहले मैं आप लोग को बोल दूँ सॉरी, कल के वीडियो के लिए काफ़ी नाराज़ थे। मैं बता दूँ कि एक्चुअली क्या हो गया था, कल दे दिया था, वेबसाइट पे दे दिया गया था बट लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब सारे इस वीडियो में। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और इससे पहले आप लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। अगर कोई और भी नोटिफिकेशन आता है, जिस तरह मैं देता हूँ इसी तरह आगे देता भी रहूँगा। और कल के लिए मैं फिर अगेंस्ट में सॉरी बोल रहा हूँ आप लोग के लिए। मुझे मालूम है काफ़ी आप लोग हार्ट हुए थे। और देखते हैं आगे की ओर। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आगे की ओर। रियली बात है भाई, अब एग्ज़ाम नहीं होगी आप लोग का। बिहार अमीन का एग्ज़ाम का डेट टल गया है। सो दिखाता हूँ कुछ आप लोग के। और अब कोई और एग्ज़ाम में आप लोग को दिमाग लगाना है। सो पहले तो मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है। सो आप लोग को बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि एडमिट कार्ड से 4 दिन पहले आपको, मतलब एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ये नोटिफिकेशन है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम कब होगा वो भी मैं बता सकता हूँ बट हाँ 100% नहीं बताऊँगा। मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया और सबकी, जैसे नहीं है कि मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 4 दिन पहले। बट अब क्या होगा कि अब तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम कब होने का डेट था, सो यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया था। अब मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम कब होने का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम जो होने वाला था वो प्रस्तावित दिया गया था। परीक्षा मतलब टेंटेटिव, मतलब संभावनाएं था कि इस दिन एग्ज़ाम हो सकता था। कब? तो 15 और 16 के पीछे। बट आज कितनी तारीख हो गया गाइस? तो आज 13 तारीख हो गया। ठीक है, तो 4 दिन पहले, तो मतलब अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, तो सपोज दैट अब एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे एग्ज़ाम नहीं होने के। और अच्छा टाइम ज़्यादा मिल गया और आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से, क्योंकि आप लोग रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मैथ तो पढ़ लिए होंगे बट बिहार जीके नहीं पढ़े होंगे। तो बिहार जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इसमें बिहार जीके आता है, हिंदी आ जाता है 10 नंबर का। सो आप लोग ये सब चीज़ पे पढ़िए। ठीक है, अब आगे कौन सा एग्ज़ाम है दिमाग में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम है आ भी रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे नोटिफिकेशन जा रहा हो, उस सब एग्ज़ाम में आप लोग सोचिए। इवन फिर एक वैकेंसी जैसे अभी रेलवे पे, देखिए रेलवे का शायद कहीं हो जाए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये भी एक फर्जीवाड़ा था, इलेक्शन था तो रेलवे ने अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लिया, जेई का एग्ज़ाम ले लिया, इलेक्शन खत्म हो गया तो सब साइड हो गया। ठीक है, सो ये भी एक फर्जीवाड़ा ही है यार, उसका भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वो भी तो बेवकूफ़ी बनाता है भाई। एग्ज़ाम में बता दूँ इसका इलेक्शन से पहले ही होगा, क्योंकि यार गवर्नमेंट जो है ना, हर गवर्नमेंट अपने आप में काफ़ी दिमाग लगाता है। इसे एडवाइस कौन देता है? गवर्नमेंट तो खुद अपना एडवाइस देता ही है बट उसने ऑफिसर देता है। इलेक्शन से पहले ही वो अपना एग्ज़ाम ले लेगा, मे बी अप्रैल तक में वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। मे बी मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग मुझे नहीं बोलिएगा कि सर आप बता दिए थे। ठीक है, बट फिर भी आपको अवेयर रहना है एनी टाइम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोग को तुरंत अवेयर कर दूंगा। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आ रहा है तो मैं आप लोग को तुरंत बता ही दूंगा। ऐसे भी आप टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिएगा, या इवन कोई और भी एग्ज़ाम के बारे में आए तो आप लोग रेलवे DRDO ले लीजिए। DRDO फिक्स है भाई, मैं बता दूँ कि DRDO है ना, वो अपना मतलब डे टू चेंज नहीं करता है, उनका सही है, वो जल्दी ही एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, बाकी मैं रेलवे इसलिए ने भरोसा यार वो इलेक्शन टाइम में ले लिया, बाकी बात ये नहीं है। ठीक है, सो गाइस यही मुझे एक छोटा सा चीज़ आप लोग को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है, और भी कोई ऑफिसर आ रहा है तो मैं आप लोग को तुरंत बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए अच्छा तरीका से। बाय बाय।